गुड इवनिंग दोस्तों, जायका रोपड़ का लड़ी है थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। अज मैं थोनू लेके आया रोपड़ की एक होर पुरानी विलखण शॉप से बीकानेरी भुजिया। सो लगभग 3 दहाके पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है, 2 दुकाना ने इन्हों शहर च। सो अज इन्हों का जायका भी दिखाने तो करते हैं इन्होंने गलबात। आप BS बीकानेरी भुजिया भंडार, ये शॉप हॉस्पिटल रोड पर है, पुराना सिटी थाने के बिल्कुल नाल जी खाली बिल्डिंग पई है। सो दिखाने आप रोपड़ का विलखण जायका। जिले के वख वख पिंडा इलाकों तो लोग इत्थे इन्हां दी भुजिया आटे दे बिस्कुट ते होर विलखण आइटमां लैण लई आउंदे आ। भीड़ तुसीं दुकान च देख रहे हैं, इधर रेहड़ियां भी भर भर के जा रही है। दोस्तों ठंड के मौसम में दुकान तो बाहर भी बिस्कुटां दा, मूंगफली दा, रेवड़ियां दा स्टाल, अलग अलग तरह की गच्चक, अलग अलग तरह की पैकिंग इन्होंने लाई हुई है। साढ़े प्रधान जी सुखदेव सिंह जी आ रहे हैं, इन्हों तो लैंदे हैं जानकारी इस दुकान के जायके बारे। हाँ जी प्रधान जी, मैं पिछले 30 सालों तो इन्हों की शॉप से आ रहा, तो पिछले 30 सालों के जो मटीरियल इन्हें खाण पीन का समान सारा समान मिलता है वह बहुत ही फस्ट क्वालिटी का समान इन्हों का। तो अज लोहड़ी दे त्यौहार नेड़े आ रहा, जिदे च रेवड़ियाँ, गच्चक, मूंगफलियाँ, बिस्कुट, नमकीन, हर चीज़ जी है वो इतने इन्हों को मिलती है। तो बहुत वधिया इंसान है और अच्छा फस्ट क्लास का जोड़ा है समान वह तैयार करके देंगे ने, जिदे आधार पर यह बहुत ही इस गल पब्लिक तो रोपड़ शहर के निवासी बहुत खुश होकर इस दुकान से स्पैशल तौर पर इतने रेवड़ियाँ खरीद आते हैं। जिदे के यह एक मैं समझना कि जरा हाथ इन्हों का बहुत साफ है, साफ सुथरा समान है। अज की चले प्रधान जी? अज मैं रेवड़ियाँ भी लिया, तो मूंगफली भी ली है, गच्चक भी ली है, बिस्कुट भी लाए ने, तो होर समान कुछ लिया जिदा कि मैं अपनी पसंदीदा समान इस दुकान तो पिछले 30 सालों तो लै रहा। सुखदेव सिंह सुरतापुरी युग के ट्रेड यूनियन आगू है रोपड़ के, उन्होंने इनू अडोस करता। हूँ आप अगे चलते हैं शॉप भी करते हैं गलबात। दोस्तों वरायटी इन्नी है साड़ी इस शॉप च कि इन्होंने बकायदा नंबरिंग की हुई है नमकीन की। देखो 1 नंबर तो शुरू होके 3-4 सारी काउंटिंग तक। अगे मैं थोड़ा लैके जाता, बकायदा 40 नंबर तक जायके है इन्होंने नमकीन आइटम से। तो यही रंग है, यही विलखणता हैगी हरेक शॉप की, हरेक फूड पॉइंट की। 80 वरायटी है नमकीन में ना अपने को, इस टाइम घट्टो घट 80 वरायटी मिल जाएगी थानू। मतलब कि सेमिया मिक्स नमकीन वगैरह हैगी है जी, सेमिया वगैरह हैगी है, कटर मट्ठी हैगी है जी, तो प्लस अपने को गच्चक वगैरह भी मिल जाएगी अपने, तो जिहड़ियां अपने रेवड़ियां हैगियां जी, तिल भुग्गा है देसी वधिया अपना जो तैयार करिया पिया जी, प्लस जिहड़ी आइटम है अपने को बिल्कुल मतलब फ्रैश मिलेगी थानू। तो उदय जी ने दस्सा कि 40 तक नंबरिंग है साडे कोल, 80 तरह दी वनगियां हैगियां बिल्कुल। तो बाकी साडे रोपड़ दी इक वधिया दुकान है, बिस्कुट बड़े जायकेदार है, मेरे माता विशेष तौर पर पसंद करते हैं। सो अपने बिस्कुटा का विशेषतावान भी दस्यो प्लीज। देसी घी बिस्कुट होंगे अपने, बेसन वाले बिस्कुट आते हैं अपने, देसी घी स्पेशल। मैं तो बिल्कुल थोड़ा जायका चेक कर रहा हूं, तो माता वालों हदायत होंगी है कि डिजाइन भी दसते होंगे कि आप बिस्कुट तुम लेके आने हैं। तो बिस्कुट बहुत वैरायटी है, आटा बिस्कुट जैसा स्पेशली चलता है। वही गल है, दो वीरे हैं ये, दोनों इकट्ठे चला रहे हैं। एक मैं नोट कर रहा, दूजी दुकान है किसानी, तो अभी कहने होंगे भी जो जो भरा अलग होंगे जाने किसानी घटती है, तो बिजनेस का प्लस पॉइंट कहने अगर तुम जायका मेनटेन रखते हैं वाधा खुलता। तो हूँ वे ब्रदर इन्हों के, उन्होंने भी आप गल करते हैं। हाँ नमकीन वगैरह अपने को, चटपटी वगैरह जिद खट्टा मिठा हो गया, थोड़ा गच्चकों होगी, वरायटियाँ अलग अलग थोड़ी सारिया जिदा मिल जाऊंगी। देसी घी की गच्चक हैगी, थोड़ी भुजिया है 500 आए इन्हों के, 70 रुपये कटने, तो बाकी गच्चक है खस्ता गच्चक मिल जाएगी, थोड़ी मरोड़ी वगैरह जिदा तेलों की आइटम होगी, थोड़ी भुग्गा वगैरह हो गया थोड़ा आइटम, बाकी नमकीन है मरोड़ी वगैरह गच्चक गुच्चक सारी वरायटियाँ, मट्ठी वगैरह सब अपना बनाते, फ्रैश ताज़ा माल बन बनता है। ਪੁਰਾਣੇ
थाने दे बिल्कुल नाल जिन्हां साथियों दोस्तों नूं दर्शकों नूं नहीं पता साडी इस बी एस वीकनरी चौक का वह ब्लॉग नूं वध तों वध शेयर लाइक ते सबसक्राइब कर लो ते इत्थे आ के इसका जायका जरूर माणो ते सब ते वड्डी गल है जिन्ना वधिया जायका उन्नी ही रूह नाल थोड़ा इस गल लई इह वधाई दे पात्र है। थैंक यू।